हेलो स्टूडेंट्स, VIIIC में मैं अमित कुमार सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि MPTET वर्ग 3 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और शीघ्र ही ये एग्जाम्स कंडक्ट करवा दिया जाएगा PV के द्वारा। अब समस्या ये आती है कि भाई इसका जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है और इसको हमको कवर करना है। ये सिलेबस के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये 5 पार्ट में बटा हुआ है और जिसमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका मैथमेटिक्स, जो कि 30 नंबर का आएगा। तो मैं आज जो यूनिट आपको पढ़ाने जा रहा हूं या इसकी जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का ही फर्स्ट यूनिट रहेगा। मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही वो क्लास लूंगा और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकता है यदि अधिक लंबा होता है तो, नहीं तो प्रयास ये रहेगा कि मैं इसको कम समय में ही आपको अधिक नॉलेज देने का प्रयास कर सकूं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब हम ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम सबसे पहली जो यूनिट है, यदि आप सिलेबस भी देखें तो वहां देखेंगे कि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। हालांकि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का सिलेबस काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, लेकिन जो अधिक अभी तक के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, उसको ही मैंने पॉइंट आउट करके कुछ तैयार किया है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि मैथमेटिक्स के सिलेबस का यदि हम स्टडी करें तो उसको हम 3 पार्ट में विभाजित करके या 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। पहला भाग है सिंपल मैथमेटिक्स, अंकगणित, बीजगणित। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जोड़ घटाना गुणा भाग HCF LCM, भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड पार्ट आता है इसका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी 2 पार्ट हैं, मेंसुरेशन 1 और मेंसुरेशन 2। मेंसुरेशन 1 में हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल से संबंधित आकृतियों का, जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है आदि, और इससे संबंधित अन्य संरचनाएं जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन 2 में, जिसे हम बोलते हैं आयतनमिति, इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक्स में क्यूब्स है, क्यूबॉइड्स है, कॉन्स है, ETC है, और इससे रिलेटेड कुछ आकृतियां और उनसे संबंधित प्रश्न। अब तीसरा जो पार्ट आता है वो पार्ट है मैथमेटिक्स की पीडेगोजी या गणित का शिक्षण शास्त्र। इस गणित शिक्षण शास्त्र में हम प्राइमरी लेवल, चूंकि हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा तो ये उपयोगी सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन फिर भी हमने उसको पॉइंट आउट करके ये वीडियो बना रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स पीडेगोजी में प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को मानसिक स्थिति क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उनका IQ लेवल क्या है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ में ही इस बात का भी परीक्षण किया जाता है कि शिक्षक एक सामाजिक रूप से उसको किस प्रकार का इफेक्टिव या प्रभावशाली शिक्षण देने का प्रयास करेगा। इससे संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की मेथड्स होते हैं गणित को पढ़ाने के, जो कि गणित शिक्षण शास्त्र है, उनसे संबंधित कौन कौन से गणितज्ञ रहे, कौन कौन सी विधियां रही, उसके आविष्कार और उनका डिटेल में हम वर्णन करते हैं। तो ये तो हुआ एक सिंपल वर्ग 3 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम आ जाते हैं अपनी यूनिट 1 पर, नंबर सिस्टम, जिसको कि आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नंबर सिस्टम में यदि हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका जो आज का जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में,
वो रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है ताकि उनका अध्ययन हम आसानी से कर सकें और अन्य अन्य सिचुएशंस में उन पद्धति का, उन क्लासिफिकेशन का प्रयोग किस तरीके से किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योग की। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई एक से लेकर के एन तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, एक से लेकर के एन तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके घनों का योग क्या होगा, इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं में एक से लेकर के 20 तक की संख्याओं का, तो वह 20 हो गया एन, तो उसकी संख्याओं का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके घन का योग क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल रूल है, बोर्ड मास, जिसको हमने एक नया रूप प्रदान किया है, उसे बोलेंगे हम वी बोर्ड मास, उसके बारे में हम बात करेंगे उदाहरण सहित। उसके बाद क्वेश्चंस रहेगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ फ्रैक्शंस, किसी भी भिन्न का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे पता लगा सकते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसके बारे में कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंपल रूल्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, शॉर्टकट मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइम नंबर कैसे ज्ञात करते हैं और 4n रूल क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी घात की, मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई है 624 के ऊपर घात लगी हुई है 59, तो उस स्थिति में उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, हम उसको निकालना सीखेंगे इजीली मेथड से, सरलतम मेथड से। चलिए, और साथ में ही इसके बीच में ही हम जो भी उसमें कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि और भी आपके सिलेबस में है, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है संख्या की, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन की, उसकी परिभाषा की। तो इसकी सिंपली परिभाषा ये होती है कि किसी भी प्रकार के नंबरों को प्रस्तुतिकरण या उनको डिनोट्स करने की प्रोसेस को या पद्धति को हम सीधा नंबर सिस्टम कहते हैं। ये तो हुई बिल्कुल सिंपल इसकी परिभाषा, लेकिन इसकी परिभाषा के साथ में इसके यदि कैरेक्टरिस्टिक्स और गुणों का यदि हम वर्णन नहीं करेंगे तो हम संख्याओं को कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो आइए अब हम करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या संख्याओं के गुण। संख्याओं के गुण, संख्याओं के गुणों को या कैरेक्टर्स को संख्याओं के गुण या कैरेक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में हम बात करेंगे प्राकृत संख्या पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक परिमेय व
अपरिमेय संख्या और वास्तविक या रियल नंबर। कैटेगरी टू में बात करते हैं सम व विषम संख्याओं की, इवन और ऑड नंबर्स, भाज्य व अभाज्य संख्याओं की, अस्वाभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्या और अवास्तविक व इमेजिनरी, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी, अवास्तविक या इमेजिनरी नंबर। तो ये तो हुई संख्याओं की गुण। आइए अब हम इसको एक एक करके इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं प्राकृत संख्याओं पर। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? सामान्यतः हम गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, किसी भी वस्तु को गिनने में हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उस संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। और इसको डिनोट्स करते हैं एन से। और इन संख्याओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है? वो किया जाता है 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अब इसमें एक बार ध्यान रखिए कि जीरो को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो वन से लेकर के अनंत तक जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर किससे मिलकर बना है? यदि हम इसमें जीरो प्लस कर दिया जाए, जीरो प्लस नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है होल नंबर। इसको हम डिनोट्स कैसे करेंगे? इसको डिनोट्स करते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। पहले वाले में हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यदि जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वहां पर ये जो संख्या बन जाती है वो हो जाती है पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स,
इंटीरियर्स। ये योग होता है नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि इस नेचुरल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में यदि हम नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आदि को मिला दें तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक। इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसको जो रिप्रेजेंटेशन है उसका इस प्रकार से होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इटीसी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इटीसी। इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें जीरो भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है, तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या या इसको बोल सकते हैं हम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P by Q के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, P by Q के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या लिख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं या लिख सकते हैं। दूसरी शर्त इसकी ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं हो जीरो के, यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल्स में 2y5 3y5 अंडर रूट 25 रूट 36 7y5 7y9 etc ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि हम 2y5 के रूप में या 7y9 जैसा दिया हुआ है के रूप में PY Q के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि Q बराबर जीरो नहीं है। 2y5 में देखें तो 5 को देखें, इसमें 9 देखें, रूट 5 यू, इसको भी हम यदि हम रूट 5 को देखा जाए, रूट 25 को, तो इसको भी हम 5/1 के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहां पर भी Q बराबर नहीं है जीरो की ये कंडीशंस यानी शर्त को सेटिस्फाई करता है, उसको संतुष्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर
इरेशनल नंबर की कंडीशंस है कि इसे पी वाई क्यू के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब पी वाई क्यू के रूप प्रस्तुत नहीं करता तो क्यू को जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें, रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, एंड पाई, लगभग इस टाइप की संख्याएं जिन्हें की पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं दर्शा सकते। पी रूट टू की बात करें तो इसको भी जो है काफी विस्तृत रूप में इसका आंसर आता है, रूट थ्री का भी काफी विस्तृत रूप में आता है, पाई की वैल्यू भी अनंत तक चली जाती है, तो इसलिए हम जो है इस अपरिमेय संख्याओं में पाई को रखते हैं और पी वाई क्यू के रूप में इस प्रकार की संख्याओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इन संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। ये तो हमने समझा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यदि हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो उसके योग से जो नंबर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या क्या इंक्लूड करता है? रियल नंबर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत संख्याएं आती हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस टू हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, टू बाई फाइव हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जो नंबर है वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो ये तो हुआ हमारा कैटेगरी वन का पार्ट जिसमें हमने संक्षिप्त में इन नंबर्स को समझा। हाँ, तो स्टूडेंट्स कैटेगरी वन में जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी या जो इसको जो हमने समझा उसको यदि हम एक समरी के रूप में प्रस्तुत कर सकें, एक लाइन डायग्राम के रूप में प्रस्तुत कर सकें, तो उसे हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले प्राकृत प्राकृत संख्या प्लस शून्य या जीरो, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब इस पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसके बाद जो बनेगा वो रहेगा पूर्णांक या इंटीजर्स। इस पूर्णांक में यदि हम भिन्न या फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो ये बनता है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर।
और इसमें यदि हम अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो इससे मिलकर जो बनता है वो होता है रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। ये लाइन डायग्राम के चार्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये हमने देखा कि कैटेगरी वन में प्राकृत संख्या पूर्णांक परिमेय अपरिमेय और रियल नंबर किस प्रकार से प्रस्तुत हो सकते हैं, किस प्रकार से उनको दर्शाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी टू में हम सबसे पहले बात करते हैं सम संख्याओं की। हालांकि आप लोगों ने सब पहले से पढ़ा है लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर, इवन नंबर हम जानते हैं दोस्तों कि इवन नंबर हम उसको कहते हैं जो कि दो से डिवाइड हो सकती है। तो इवन नंबर के एग्जांपल क्या क्या रहेंगे, टू फोर सिक्स एट टेन, वे सभी संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरी तरह से चला जाता है उनको हम बोलते हैं सम संख्या है। फिर आता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, जिन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता है उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या। एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, इत्यादि, ये सभी विषम संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य से पहले हम देख लेते हैं अभाज्य, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या, इसके अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जो मात्र एक से और स्वयं के द्वारा डिवाइड की जा सकती हैं, एक व स्वयं के द्वारा भाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर इनको विभाजित नहीं कर सकता, यानी कि उसमें भाग नहीं जा सकता, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसका एग्जाम्पल है दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, इत्यादि। बिल्कुल सिंपल है कि जो एक से और अपने स्वयं से भाग दे सकते हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा तीसरी कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सके। अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से
डिवाइड हो सकती हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल, फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, ये 18, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी विशेषता है कि ये एक व स्वयं के अतिरिक्त थर्ड अन्य संख्या से डिवाइड की जा सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्या या इसको हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? तो इसकी शर्त जो होती है, सबसे पहले तो ये है कि ये एक पेयर में या युग्म में होते हैं। ये युग्म में होते हैं। दूसरा, इनमें कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कॉमन गुणनखंड या कॉमन मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ एक हो। ये सहभाज्य संख्याओं के विशेषताएं हैं, ये उसकी शर्त है, कंडीशन है। एग्जाम्पल, फोर एंड नाइन, ट्वेल्व एंड 25। अब कैसे, यदि हम इसको देखें तो फोर वाली संख्या लेते हैं, फोर नाइन, तो इसके मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर है, गुणनखंड है 2/2 और 9 का है 3/3। ये हम देख सकते हैं कि 2 और 3 आपस में एक दूसरे में कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, और इनका एचसीएफ होता है 1। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे को प्राइम नंबर में। इसी प्रकार से 12 25 को भी देख लें, तो 2 × 2 × 3 12 और 5 × 5 25। एचसीएफ इनका होगा 1। तो यहां भी हम दोस्तों देख सकते हैं कि आपस में मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर सेम नहीं है और एचसीएफ एक है, तो इसको हम बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं हम उसको इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या में जो शर्त होती है, सबसे पहली शर्त तो यह है कि पेयर, ये पेयर होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है युग्म होता है। इन युग्म में ऐसी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। एग्जाम्पल, 5, 7, 11 and 13। तो इस कैटेगरी में जो संख्याएं आती हैं, देख रहे हैं आप कि 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और दोनों का डिफरेंस है
टू, यानी इनके बीच का अंतर दो हो तो वह कहलाती है युग्म अभाज्य संख्या। तो ये तो हमने समझा संख्याओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी कुछ विशेषताओं को। अब हम इसके बाद में बात करेंगे अपने अगले पॉइंट्स की।